अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं टेक्निकल असद यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं कि सीपेक में बेरोज़गारों के लिए इंटर्नशिप का ऐलान हो चुका है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल मालूम फराहम करूँगा कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है और आपको कितनी सैलरी दी जाएगी और इसके लिए आपने ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लेके बिल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ आसिम सलीम बाजवा की ट्विटर अकाउंट पर और यहाँ पर उन्होंने एक ट्वीट जारी किया है जिन्होंने बताया कि सीपेक में इंटर्नशिप का ऐलान हो चुका है। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इस इंटर्नशिप की मुकम्मल डिटेल बताई है कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। ये 3 महीने की इंटर्नशिप होगी और यहाँ पर आप नीचे एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ और मुकम्मल स्पेसिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंटर्नशिप जो है स्टार्ट हो चुकी है, सीपेक इंटर्नशिप प्रोग्राम 2020। दोस्तों सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, जो आपकी एज है वो हो अप टू 30 ईयर्स होनी चाहिए। अगर तालीम की बात करें तो बैचलर आपकी तालीम होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस कोई भी रिक्वायर्ड नहीं किया गया। आपके पास गुड रिसर्चिंग, राइटिंग एंड डिजिटल मीडिया लिंकिंग होनी चाहिए जो आपको यूज़ करनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम फीचर्स में आप देख सकते हैं कि आपको मंथली रिहाइश के पैसे भी दिए जाएंगे, कुछ अमाउंट भी जो है वह अदा की जाएगी, लेकिन अभी वो फाइनलाइज नहीं हुई, बहुत ही जल्द जो है ये भी फाइनलाइज हो जाएगी। बाकी जो तमाम चीज़ें यहाँ पर दी हुई है आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इंटर्नशिप है और ये स्टूडेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और उन लोगों के लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो बेरोज़गार है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बता दूँ कि फर्स्ट राउंड जो होगा वह CV का होगा। CV के इसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और सेकंड राउंड जो होगा उसमें आपने इसे राइट करना होगा 500 वर्ड से लेकर 650 वर्ड तक। इसके अलावा आप वीडियो बनाकर भी रिसेंड कर सकते हैं। इसके अलावा ये इंटर्नशिप जो है वह अक्टूबर में स्टार्ट होगा और दिसंबर तक इसका एंड हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है। यहाँ पर आपने आ जाना है cpecauthority.gov.pk। इसकी अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई, 18 अगस्त से जो है इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और आज ही इसकी अनाउंसमेंट हुई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर की। जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा तो एक और वीडियो बनाकर आपको मैं दे दूंगा कि किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लेके बिल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।